नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध करेंगे तीर्थ पुरोहित। 5 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जाएंगे पीएम मोदी। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित करेंगे प्रदर्शन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उच्च स्तरीय समिति में तीर्थ पुरोहितों को शामिल न किए जाने का लगाया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, तीर्थ पुरोहितों ने 3 नवंबर को केदारनाथ कूच का किया ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 नवंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध करने की योजना जो है वो बना ली है और उनका पूर्ण रूप से विरोध करने की तैयारी कर ली है। साथ ही इस दौरान जी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, चार धाम देवस्थानम बोर्ड के बोर्ड का विरोध करने के तौर पर तीर्थ पुरोहित करेंगे प्रधानमंत्री का विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर, उच्च स्तरीय समिति में तीर्थ पुरोहितों को शामिल न करने का लगाया आरोप। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वैभव पैटवाल जुड़ गए हैं। जी वैभव, क्या कुछ स्थिति है वहां पर तीर्थ पुरोहितों की ओर से, जिस तरह से लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा है? मैं तो बताना चाहूंगा राखी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका 5 तारीख को केदारनाथ का दौरा है, इसे देखते हुए जो तीर्थ पुरोहित हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने 3 नवंबर को केदारनाथ पूछ पर जो ऐलान यहाँ पे कर दिया है, साथ ही साथ कल जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी केदारनाथ पहुंचे थे, जिनको उनका विरोध झेलना पड़ा था। जी तो क्या कुछ तैयारियां उन्होंने कर ली हैं तीर्थ पुरोहितों की, क्या कुछ तैयारियां हैं 3 नवंबर को लेकर? जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध को लेकर वो लोग प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है, प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की यहाँ पर। जी, लेकिन इस बीच एक ये भी सवाल है, क्या देवस्थानम बोर्ड ही वो एक वाजिब मसला है जिस वजह से तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं, या फिर देवस्थानम बोर्ड के अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर तीर्थ पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं? कहने के देखा जाए तो चुनावी समय है, तो चुनावी जो दौर है, जो विपक्षी जो राजनीतिक दल है वो भी इसमें साथ दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है जिस प्रकार से यहाँ पर, तो उसमें कुछ जो विपक्षी दल है वो भी इस समय सरकार को घेरने के मूड में है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 5 नवंबर को जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है, और ऐसे में वो केदारनाथ के लिए विकास योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन एक तरफ तीर्थ पुरोहितों का जिस तरह से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, अभी बीते दिनों जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने पर भी तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया था, ऐसे में अब 5 नवंबर को जब पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा होगा तो तीर्थ पुरोहितों ने फिर से उनका विरोध करने का एक बार मन बना लिया है। और देव स्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में खासा आक्रोश है, ऐसे में क्या पीएम मोदी की तरफ से कार्रवाई होगी, क्या कुछ तीर्थ पुरोहितों के लिए राहत की बात होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो यही है कि पीएम मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दर्शन के लिए आएंगे और तीर्थ पुरोहितों की ओर से उनका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।